Hi everyone, this is Zayed Ahmed. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे Why should I pray? नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुछ अर्से पहले हमने वीडियो डाली थी कि नमाज पढ़ने का और रेगुलर होने का क्या तरीका है. आई होप आपने वीडियो देखी भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किया होगा. उसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि नमाज क्यों पढ़ना ज़रूरी है, और इस्पेशली अगेन मैं बात करूँगा कि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ और जितने भी मेरे मेजरली, जहाँ तक मुझे इल्म है, जो मेरी मेजर ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करती है, फेसबुक पे और अब यूट्यूब पे, वो एज ब्रैकेट है 18 से लेके 35 साल. इसमें मेजॉरिटी मेरी ऑडियंस लाया करती है. सो ये वो एज है, ये वो वक्त है जहाँ मेरे ख्याल से हमारे कुछ फंडामेंटल जाविये ज़िंदगी के बारे में वो सीधे हो जाने चाहिए. पैसा तो सारी ज़िंदगी कमाना है हमने, अच्छी गाड़ी लेनी है, बेहतर घर लेना है, यार वो घड़ी रह गई, अब वो फ़ोन आ रहा है, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और ये तो नॉन स्टॉप हैं. जब मैं और आप 50 साल के हो जाएंगे उस वक्त तक पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उसकी क्या कीमत होगी. और हमारे यही लाइफ गोल्स अगर चलते रहे तो हम तो इसी भाग दौड़ में लगे रहेंगे और इसी प्रेशर और इसी स्ट्रेस में लगे रहेंगे. तो शायद कभी रुक के ये अपने आप से सवाल नहीं कर पाएंगे कि ज़िंदगी में ये करने आए थे क्या? क्या सिर्फ इन चीज़ों को हासिल करने के लिए आए थे? क्या सिर्फ स्टेटस को बढ़ाने के लिए आए थे? जिसके पास आज महंगा फ़ोन है उसको उससे बेहतर चाहिए, जिसके पास आपका वाला फ़ोन नहीं है उसको आपका वाला फ़ोन चाहिए. दीज मटीरियल पोजेशंस और ये ऑब्जेक्ट्स और इनकी तगोदो, इनके पीछे रेस इंसान को सिर्फ एक खाली एहसास के साथ छोड़ जाती है. और अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तरीन डिज़ाइन इंसान को लेकर ये है कि उसने यहाँ एक खला छोड़ी है. चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हों इस वक्त, किसी भी मुल्क में हो और किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, आई एम श्योर आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे जब मैं उस खला की बात करता हूँ. उस खला को हम भरने की कोशिश करते हैं पैसे से, खुशियों से, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स से, और फिर जब वो चीज़ें हमें फुलफ़िल नहीं करती तो फिर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, भटकाते हैं अपने आप को उन सवालों से जो हम अपने आप से नहीं करना चाहते, और उन इमोशंस को दबाते हैं फिर हम with alcohol, with drugs, with partying, with friends, distraction, 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 कि किसी तरह बस मैं खुश रहूं और मेरे ये अंदर दिल की खला भर जाए, पूरी हो जाए. और अगर आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसमें मैं हूं, आई एम 36 years old, और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके देख लिए हैं, शायद आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया हो, गुड फॉर यू, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आपने करियर में कोई अच्छी जगह पा ली है, किसी स्टेटस पे पहुंच गए हैं, किसी डेजिग्नेशन पे पहुंच गए हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आपने शायद अपने लिए गाड़ी खरीद ली है जो लीज़ पे नहीं है, आपकी अपनी ओन करते हैं, या आप अभी अपना घर हासिल कर चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड फॉर यू. बट आई एम श्योर कि आपके दिल में अभी भी वो खला बाकी है जो हर वक्त एक एहसास रहता है कि यार किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की समथिंग इज़ मिसिंग और कुछ ख़राब जा रहा है. आपने हो सकता है ज़िंदगी के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ले लिए हों, एजुकेशन पॉलिसी ख़रीद ली हो, कहीं सेविंग कर ली हो कि आगे जाके बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजना है या प्लॉट ख़रीदना है, ये सब कर लिया, अपनी तरफ से आपने प्लानिंग चल रही है. बट यू नेवर रियली श्योर, यू नेवर 100% कॉन्फिडेंट कि मैंने जो ये प्लान ले लिया है क्या ये काफ़ी है, क्या मैं, मेरी एफर्ट्स, मेरी प्लानिंग, मेरी सोच, मेरा पैसा, क्या ये काफ़ी है? ये खला कभी नहीं भर सकती इन चीज़ों से, मटेरियल गेन से कभी नहीं भर सकती. तो फिर क्या करना है, इसको भरना कैसे है? और वीडियो का टाइटल चूंकि है Why to pray, सो आई एम गोइंग टू टेल यू माई एक्सपीरियंसेस. मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ऑन इस्लामिक स्टडीज़ और एनी सच थिंग, और मैं ऐसा कभी क्लेम भी नहीं करूँगा. मैंने जिस तरह अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं एक जर्नी की तरफ बढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इनायत की, रहम किया,
और इतना सब कुछ दिया, जो मेरा पैशन था, जो मेरा गोल था एक्टिंग, वो एक रियलिटी बनाया, वो एक पॉसिबिलिटी बना लिया। लेकिन उसके बाद भी वो खला वहीं की वहीं रही, वो नहीं भर पाई। सो इस वक्त जो सबसे बड़ा अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया, जो ब्लेसिंग दी, वो इस एहसास को दे दिया कि चाहे सब कुछ भी आ जाए, आपके पास गाड़ी बंगला पैसा सब आ जाए, ये खला पूरी नहीं हो सकती। सो नमाज कैसे रेगुलर करनी है, इस वीडियो पे, इस पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट लॉजिकली मैंने अपने आप को कैसे सेटिस्फाई और कन्विंस किया आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एज वेल। मौलाना तारिक जमील को देखा, आप भी ज़रूर देखते होंगे, देखना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक को देख लिया, मुफ्ती मैंक को देख लिया, उमैर सलेमान को मैं बहुत देखता हूँ। ये लेक्चर्स आपके ईमान बूस्टर्स हैं, छोटे छोटा आपको बूस्ट मिलता है इनसे, तो ज़रूर देखिए। बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा, शायद आपके लिए भी काम आ जाए। सो व्हेन आई सैट डाउन टू थिंक कि व्हाई शुड आई प्रे, सो मुझे चाहिए थे भाई सबसे बड़ी सिफारिश, मुझे चाहिए एक बेहतरीन ज़िंदगी इस दुनिया में भी और अगली में भी। आई वॉन्ट एक्सेलेंस, आई डोंट वॉन्ट मीडियोक्रिटी, मुझे एवरेज कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और करता आया हूँ सारी ज़िंदगी और करता रहूँगा। सो जो इंसान मेहनत करना चाहता है, जस्तजू करना चाहता है, फिर वो एवरेज रिजल्ट्स नहीं चाहता, वो चाहता है मुझे एक्सेलेंस मिले, एक्सेलेंस इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ। सो जब आपने कोई काम करवाना होता है तो आप किसी बड़े अफसर से सिफारिश लगवाते हैं, किसी जो भी इदारे से मुंसलिक अगर आपको कोई काम है, आप फ़ोन करते हैं दोस्तों को, यार इधर कोई जानने वाला है, हैं इधर कोई हायर अप में आपका कोई है, कोई डायरेक्टर किसी को जानते हैं, या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या CEO है, उसकी सिफारिश लगवा दे यार, अगर वो कह दे तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा हम सोचते आए हैं और दुनिया का निज़ाम ऐसा ही है। पर कैसा हो कि जिसने पूरी कायनात बनाई है उसकी सिफारिश आपके पास हो, कैसा हो कि जो लोगों के दिलों में बसता है और लोगों के दिल में आपका ख्याल डाल सकता है उसकी सिफारिश आपके पास हो। कहीं दुनिया में बैठा हुआ कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अगर मैं अपने काम के हवाले से बात करूं, बहुत ज़बरदस्त बड़ा प्रोजेक्ट सोचने लगा है, बड़ा ड्रामा है, बड़ी फिल्म है, जो भी है, मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं उस डायरेक्टर, उस प्रोडक्शन हाउस, उस प्रोड्यूसर, उस चैनल के मालिक को कहीं से मैसेज पहुँचाऊँ, पैगाम पहुँचवाऊँ या डायरेक्ट कॉल भी कर दूँ कि यार मुझे इसमें आप कंसिडर करें, प्लीज़ मेरे बारे में सोचें आप इसके लिए। ये करते हुए एक चीज़ ज़रूर होगी कि मैं अपने आप को गंदा कर रहा हूँगा, मैं छोटी हरकत कर रहा हूँगा, और हो सकता है शायद मेरी वो सिफारिश हेल्प कर जाए, बट इसका क्या मतलब होगा कि मैं ज़िंदगी भर यही करता रहूँगा, मैं लोगों के आसरे पर रहूँगा। सो द नंबर वन रीज़न विच सेटिस्फाइड मी कि मैं क्यों नमाज़ पढ़ूँ, भाई मुझे नहीं लोगों के तलवे चाटने, मुझे नहीं करनी बार बार किसी इंसान के सामने मिन्नत। मेरा काम पूरा है, लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ मेरिट पे यहाँ सिलसिला नहीं चलता, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में कॉन्टैक्ट्स बनाओ, नेटवर्किंग करो, PR, 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 अरे बस कर दो भाई, सारी ज़िंदगी ये तो चेहरे बदलते रहेंगे, कभी उसकी सिफारिश मांगी, कभी उसकी मांगी, ना भैया ना। यू शुड हैव द सिफारिश, यू शुड हैव द प्रेफरेंस ऑफ द वन हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। That is the power I wanted. And the way to do that, वो अल्लाह ताला ने खुद बताया हुआ है कि मुझसे कुछ मांगना है, अगर मेरी खुशनुदी चाहिए, मेरी रजा चाहिए, तो उसका तरीक़ेकार नमाज के थ्रू है। So that continues to be the number one reason why I pray. मेरा दिन अल्लाह ताला की याद से शुरू हो, बाकी चार नमाजें थ्रू आउट द डे पूरी हों, तो मेरा यकीन, मेरा सेटिस्फैक्शन इस चीज़ में रहेगा कि भाई मैंने सबसे बड़ी कुव्वत से तो सिफारिश मांग लिए हैं। अब इसके आगे और भी खूबसूरत बात यह है कि जब आप एक दफ़ा इस रास्ते पर चल पड़ें कि आप मदद और कुव्वत और ताकत और कामयाबी सिर्फ अल्लाह ताला से मांगने के आदि हो जाएं, तो उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ आप नाकाम भी हों तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आपको एहसास हो जाता है कि मेरी सारी कामयाबी
بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب میں ناکام ہوں تب میں صرف اسی سے مانگ سکتا ہوں۔ اکثر لوگ، میجورٹی لوگ، چاہے آپ اس وقت اپنی یوتھ میں ہوں یا ایک ایڈلٹ بن چکے ہوں یا ایون اولڈر ایجز میں ہوں، جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے زندگی میں، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ مسئلہ حل کر دے، مسئلہ حل کر دے، مسئلہ حل کر دے۔ بٹ دا ریالٹی از، دا فیکٹ از کہ آپ اچھے وقت میں بھی، برے وقت میں بھی اپنی پاور جب اللہ تعالیٰ کو بنائیں گے، تو وہ جو ناکامی بھی آئے گی، وہ کوئی ڈیزاسٹر بھی آئے گا، وہ کوئی نقصان بھی آ جائے گا، جو بائی دا وے ویسے میں نے اپنے تجربے میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ نقصانات بیٹھے بیٹھے مفت کے خرچے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آ بھی جائیں، اللہ معاف کرے، آپ کی جاب چلے جائے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، سانحہ پیش آ جائے، تو آپ آلریڈی اسی سے رجوع کر رہے تھے، آپ اسے رجوع کرنا کنٹینیو کریں گے۔ وہی ایک قوت ہے جو ناکامی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، اور وہی ایک قوت ہے جو آپ کو کامیابی دے گی اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی۔ اور لاسٹ بات میں ایک ساتھ یہ بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا، یو شوڈ آسک فار ایکسلنس ان دس لائف اینڈ دی آفٹر لائف، بٹ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی مال اور دولت ہوگی، جتنی پاور ہوگی، وہ سب کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ، جن کو اللہ نے اس دنیا میں کم سے کم دیا، ان کا حساب بھی بہت کوئک ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ شرط یہ کہ انہوں نے ہمیشہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جتنا کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، مطمئن رہو۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، نعمان علی خان ایک مسلم اسکالر ہیں، بہت اچھے اچھے لیکچرز دیتے ہیں، از آلسو اے ینگ گائے، سو آئی لسن ٹو ہیم اے لاٹ۔ ان کا ایک بہت اچھا لیکچر ہے، اس کو ضرور سرچ کیجیے گا، کہ اسلام میں ہیپینیس از ناٹ اے گول۔ کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہے۔ آج کل آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، انٹرٹین یور سیلف 24 گھنٹے، کیپ یور سیلف ہیپی، انٹرٹین، یہ دیکھو، یہ سنو، سنیما پہ دیکھو، ٹی وی پہ دیکھو، فون پہ دیکھو، لگے رہو، خریدتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، کسی طرح خوش رہو۔ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خوش رہنا، اپنے آپ کو انٹرٹینڈ رکھنا ہر وقت، زندگی مقصد تھوڑی ہو سکتا ہے۔ مطمئن ہونا، ٹو بی کنٹینٹ، کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ بھی راضی، جو نہیں ہے اس پہ بھی راضی، کیونکہ ایک دن یہ سب گھورک دھندا ختم ہو ہی جانا ہے، اس تماشے کا آخر ہونا ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ میں اس چینل پہ صرف وہی بات کروں گا جو میرا سچ ہے، جس کے بارے میں میں پیشنیٹ ہوں۔ اینڈ لائک آئی آلویز سے، دیر از نو بیٹر کانورسیشن دین ٹو ٹاک اباؤٹ گاڈ، ٹاک اباؤٹ وائی وی آر ہیئر آن دس پلانٹ، اینڈ ہاؤ ٹو مینیور تھرو دس تھنگ کالڈ لائف۔ Take care, everyone.